सुरक्षित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से शहर के निजी होटल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने किया। और आपको बता दें कि कार्यशाला में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष गुप्ता, एएसईई सचिव राजेश यादव और उद्योग आयुक्त कृष्ण कुणाल समेत अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जो दो दिवसीय वर्कशॉप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आरएसएलडीसी राज्य सरकार के माध्यम से रखी गई है, इसका उद्देश्य जो आपने पूछा यही है। यहाँ से लगभग हमारे 32,000 से ऊपर श्रमिक जीसीसी कंट्रीज, जो खास तौर से गल्फ कंट्रीज के नाम से जिनको जाना जाता है, उसमें जाते हैं और वहां जाके कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, कई बार मुश्किलात में पड़ जाते हैं, कई बार जेलों में भी बंद होना पड़ता है उनको कुछ इलीगल काम होने की वजह से, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती। अभी आपने देखा चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा भी एमईए को, हमें अगर पीडीओटी सेंटर वगैरह बना दिया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं यहीं आरएसएलडीसी में पीडीओटी की ट्रेनिंग लेंगे, मैंडेटरी हो जाएगी, उसके बाद ही वर्क वीजा जारी हो सकता है। तो जहां ट्रेनिंग हो जाएगी उसको अपने अधिकार की, अपनी ड्यूटीज की पूरा उसको जानकारी होगा, उसके बाद वो जाएगा तो उसको कोई ठग नहीं सकता। इसमें दो तीन इश्यूज हैं। एक तो सबसे पहला इशू है कि हमेशा जो रजिस्टर्ड एजेंट है जिसको एजेंसी दे रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके थ्रू जाना है और उसके बाद आपके ना डूज एंड डोंट्स होने चाहिए कि आपको उन देशों में जाके क्या करना है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। उसके लिए जो भी आपने देखा है बुकलेट लॉन्च की गई है, वो ट्रेनिंग के लिए ही है। पीडीओटी करवाना बहुत जरूरी है, कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है वहाँ के